करवा चौथ का व्रत रविवार को देश भर में मनाया गया। सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखने का विधान है। करवा चौथ का यह व्रत सुहागन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता यह है कि करवा चौथ का पूरे विधि विधान से व्रत रखने पर अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए फलदायक माना गया है, जहां शाम को 16 श्रृंगार कर पारंपरिक लाल जोड़े में सजी महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया। मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना कर महिलाओं ने अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। बैठमा में भी करवा चौथ का उल्लास दिखाई दिया। नगर के बाजारों में करवा चौथ के दिन काफी चहल पहल रही। ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार के सामान की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखी गई, जबकि सोने चांदी की दुकानों पर भी रौनक बनी रही। दुकानदारों का कहना था कि दोपहर बाद बाजार में अच्छी रौनक रही, जब महिलाओं ने अपने बजट अनुसार जमकर खरीदी की। वहीं पतियों ने अपनी पत्नियों को उपहार देकर इस पर्व को और खास बनाया। करवा चौथ का यह व्रत निर्जला व्रत होता है, जो बेहद कठिन माना जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सर्गी से होती है और इसका पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रख संध्या के समय शुभ मुहूर्त में व्रत कथा का पाठ करती हैं, फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन और पूजा करने के पश्चात ही अपना व्रत खोलती हैं। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए करवा माता की विशेष पूजा अर्चना करती है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल